गजब बेइज्जती है। Hey, what is up guys? Welcome back to my channel. Everyone, I hope you're doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार आ चुके हैं फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। And guys यार आप लोगों ने यार चैलेंजेस वीडियो को का कमाल सपोर्ट दिखाया यार, तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड गाइज यार आज भी मैं एक न्यू चैलेंज लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ ओनली पिस्तौल चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, पिस्तौल की कैटेगरी में जो भी मतलब आता है गन्स वगैरह, जैसे कट्टा हो गया, फिर P91 जो भी है ना पिस्तौल की कैटेगरी में आता है, वो गन्स मैं उठा सकता हूं। तो यहां पर मेरे को कट्टा मिल गया और तभी देखना यहां पर मुझे लगा कि भाई कोई बंदा नहीं आएगा, लेकिन गाइस यहां पर बंदे थे। अब गाइस यार कट्टा का पावर दिखाया और इस वाले बंदे को बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब यार एक चीज़ मैं बताऊं कि कट्टे में ना बहुत दम होता है, सच्ची बता रहा हूँ, कट्टे में बहुत दम होता है। अब यार एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारे तो क्या कर रहे हो, जाए और वीडियो को लाइक मारो। आज की इस वीडियो को कोई भी लाइक मैं रख नहीं रहा हूँ, आप लोगों का जितना मन मर्जी हो कर देना। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ अमेजिंग सा चैलेंजेस है जिससे मैं गेम प्ले बना सकूँ तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता देना, ओके। और ऐसा चैलेंज देना कि मैं पूरा गेम प्ले बना सकूँ। तो यहां पर ये वाला बॉट दिख गया था मेरे को, जिसको मैं बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब फिनिश करते हैं, तो इसको फिनिश भी कर दिया। अब यार अभी तो फिलहाल बॉट्स आ रहे हैं, ये तो फिलहाल बॉट्स थे ठीक है, लेकिन आगे चल के आप लोगों को एनिमीज भी देखने को मिलेगा, जिसको मैं कितना घुमाऊंगा ना वो देखना। मतलब गाइस ओनली पिस्तौल से इतना मतलब इतने देर तक सर्वाइव कर पाना, वो भी इतने हाई पिंग में, क्योंकि अभी पता है वीपीएन लगा खेलना पड़ रहा है, तो भैया हाई पिंग भी आ रहा है। ये देखो, इसको बोलते हैं कट्टा का पावर, रियल पावर, लिटरली बता रहा हूँ यार। मतलब इतने दूर पे बंदा था, एक गोली से बंदा ख़त्म हो गया। हाँ फिलहाल मुझे पता है कि वो वाला बंदा डैमेज होगा ऑलरेडी, बट मर तो गया ना। देख रहे हो गाइस, इसको बोलते हैं कट्टे का पावर यार, कट्टा कट्टा ही होता है। अब यार इनको मारने के बाद इस वाले नॉक बंद को फिनिश करते हैं। सो गाइस इस वाले बंदे को भी बहुत ही प्यार से फिनिश कर दिया। अब यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मतलब चैलेंजेस वगैरह दिया था, लेकिन गाइस चैलेंजेस ऐसा दो कि मैं उससे पूरा गेम प्ले बना सकूँ, ठीक है ना। मतलब ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस मत दो कि मैं उससे गेम प्ले नहीं बना सकूँ, है ना। तो चैलेंजेस ऐसा दो कि मैं उससे पूरा गेम प्ले बना सकूँ, तो नीचे कमेंट में जाओ। और अभी कभी अगर आपके पास कुछ यूनिक सा चैलेंज है तो बता दो मुझे नीचे कमेंट में, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर वो एक अच्छा चैलेंज हुआ तो, ठीक है। तो चैलेंज ऐसा देना कि पूरा हार्ड हो और उससे मैं पूरा गेम प्ले बना सकूं। सो गाइस देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब वो हो रहा है भाई, इतने देर पे बंदा मर रहा है, मतलब भाई क्या ही गंदा वाला लैग हो रहा है, मतलब पिंग का लैग, ओके। अब यार पता नहीं आज मेरा वीपीएन के साथ क्या लोचा हो गया था, मतलब भाई पिंग ना बहुत गंदा हक रहा था। अब पता नहीं यार क्या सिचुएशन हो गया था, बट जो भी है अब ना अब तुम लोग रियलिटी में देखोगे कि कितना हक रहा था मेरा पिंग। ये देखो, देख रहे भाई गला गंदा वाला हक रहा था। अब देखने यहाँ पर क्या होता है, मैं देखो गाड़ी चला भी नहीं रहा और गाड़ी मेरा ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है भाई। देखो गाइस, देखो देखो देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं भाई सस्ता नशा कर लिया था मैंने। उसके बाद मैं जैसे तैसे इधर को तो आया और यहां पर मेरे को ये वाला बंदा दिख गया। इसको बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब यार इसको निपटाने के बाद गाइस यार यहां पर मैं जैसे लूटने के लिए उतरा, तभी गाइस मेरे को पीछे से
बंदे फायर करने स्टार्ट कर दिया। अब यार बंदे जैसे फायर किया तो मुझे लग रहा था कि भाई चलो उसको निपटाते हैं, लेकिन मुझे भरोसा भी नहीं था क्योंकि भाई मेरा पिंग कभी भी हक दे रहा था। अब मैं यहाँ पर उतरा तो वो सारे बंदे ऊपर में थे और अचानक से नीचे आ गए, तो यहाँ पर मेरे को नेट करना पड़ा, मतलब नेट को जो कुक किया था उसको फेंकना पड़ा। अब उसको फेंकने के बाद गाइस वो वाले बंदे ऊपर चले गए थे। अब यहाँ पर देखना मेरा हिम्मत का तो दांत देना पड़ेगा यार, मतलब क्या ही बताऊँ यार, पिस्तौल लेके चला गया ऊपर को उसको मारने, और वो भी दो दो बंदों को। अब देखना क्या होता है। सो यहाँ पर मैंने देखा कि भैया दो दो बंदे हैं और उन लोगों को पता चल गया था कि मेरे पास ओनली कट्टा है, ठीक है, तो वो लोग भाई रस कर दे रहे भाई गंदा वाला मेरे ऊपर। तो मैं यहाँ से दुम दबा के भाग रहा था। अब यहाँ पर देखना, सो यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, उनके एक बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन गाइस सेकंड वाला बंदा मेरे पीछे पड़ गया था। अब जैसे जैसे तैसे मैं इधर को तो आ गया अपने आप को हील करते हुए। तभी गाइस यहाँ पर देखना भाई, गलत सीन, लिटरली बता रहा हूँ यार, गलत सीन हो गया मेरे साथ और उसके साथ भी, मतलब दोनों के साथ भी गलत सीन हो गया। अभी आ चुके नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे, नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे मैं आ चुका तो फैक्ट्री पे। फैक्ट्री उतरने के बाद गाइस यहाँ पर मेरे को शॉट गन दिखा उतरते ही, लेकिन मैं शॉट गन उठा नहीं सकता हूँ क्योंकि भैया शॉट गन चैलेंज तो कर नहीं रहे हम लोग, ओनली पिस्तौल चैलेंज कर रहे। तो यहाँ पर मेरे को पिस्तौल मिल चुका था, यहाँ पर कट्टा भी मिल चुका था, तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं यार कट्टा नहीं उठाते हैं, ये वाला पिस्तौल चला के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार तो कट्टा चलाया मैंने, एक बार इस वाले पिस्तौल को चला कर देखते हैं क्या ही मज़ा आने वाला है और कितने देर तक मैं सर्वाइव कर पाता हूँ इस वाले पिस्तौल को लेकर। अब मैं यहाँ पर 9mm का गोली भी इसीलिए उठा रहा था क्योंकि आगे चल के अगर मेरे को P91 मिलता है ना, जो एक गन होता है P91 करके, ओके, तो उस पर क्या होता है आप लोग ऑटो स्प्रे कर सकते हो, मतलब पिस्तौल तो होता ही वो, लेकिन गाइस उसमें ऑटो स्प्रे किया जाता है। सो वो वाला मतलब वो वाला गन भी भाई बहुत ही ओपी गन है, तो मुझे मैं ढूंढ रहा था कि भाई वो वाला गन मेरे को कब तक मिलेगा, बट गाइज मेरे को मिलता ही नहीं है क्योंकि किस्मत ही ख़राब होता है यार। मतलब जब आप किसी भी चैलेंज करते हो ना, कोई भी चैलेंज करते हो, सोचो कि आप लोग ग्रेनेड चैलेंज कर रहे थे, आप लोगों को ग्रेनेड नहीं मिलेगा, जब आप लोग शॉट गन चैलेंज कर रहे हो तब आप लोगों को शॉट गन नहीं मिलेगा, जब आप लोग ओनली व्हीकल चैलेंज कर रहे हो तब आप लोगों को व्हीकल नहीं मिलेगा, अगर व्हीकल मिलता भी है तो उसमें पेट्रोल नहीं होता है, मतलब भाई दिक्कत ही दिक्कत होता है, कसम से बता रहा हूँ। चैलेंजेस जब भी आप लोग कंप्लीट करते हो ना तो दिक्कत तो होता ही होता है। अब यार ये सिर्फ मेरे साथ होता है या फिर आप लोगों के साथ भी होता है बताना नीचे कमेंट में। अब यार यहाँ पर देखो भाई गलत सीन, देखो 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 भाई मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा, ऑटोमेटिक जा रहा है गाड़ी, भाई क्या नशा चल रहा है यार, देखो भाई मतलब क्या बताऊं यार, मतलब मैंने गाड़ी को ना ही एक्सेलेरेटर दबाया, ना ही बूस्ट पे दबाया, ना ही मैंने कुछ भी नहीं दबाया यार, लेकिन गाड़ी मेरा ऑटोमेटिक चल रहा है, भाई क्या मजाक चल रहा है यार। अभी यार जैसे तैसे मैंने अपने पिंग को ठीक किया, थोड़ा सा ठीक किया लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुआ देखो, तो फिर मैं बगी पे आ गया। बगी पे आने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार ड्रॉप वर॑प लूट के आते हैं, मतलब ड्रॉप लूटेंगे तो नहीं, लेवल 3 का बैकपैक अगर मिल जाए तो बढ़िया होगा और लेवल 3 का वेस्ट अगर मतलब वगैरह मिल जाए तो बढ़िया होगा, तो इसीलिए मैं ड्रॉप लूटने चला आया। और जैसे मैं ड्रॉप लूटने आया तभी गाइस मैंने देखा कि इधर से कुछ बंदे फायरिंग कर रहे थे, तभी मैंने देखा कि एक बंदा भाई खुले में आ रहा था। अब ये खुले में हग रहा था तो इसको बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब ये इस वाले बंदे को निपटाते हैं। तो इस वाले बंदे को निपटाया तभी। ये तो फिलहाल मेरे को बॉट लग रहा था। सो इसको भी बहुत ही प्यार से निपटा दिया। इसको निपटाने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एमो वगैरह ले लिया, तभी ये वाला बंदा आ गया। अब इस वाले बंदे के साथ क्या गलत सीन होता है देखना। भाई मतलब क्या गलत सीन यार,
भाई अंबुजा सीमेंट, मतलब अंबुजा सीमेंट से बना है क्या बे? टूटेगा नहीं, मतलब क्या चल रहा है बे? देखो इसको मैंने इतना मारा लेकिन वो बाला बल्ला भाई मर ही नहीं रहा था, लेकिन एक बॉट आके उसको मार दिया। उसको बॉट को भी बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब इस बॉट को जैसे मैंने निपटाया तभी गाइस मैंने सोचा चलो इसके पास से थोड़ा लूटा लाटी कर लेते हैं ताकि मेरे को थोड़ा सा आगे चल के मदद मिल सके, मतलब हेलमेट वगैरह ले लिया ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है, मतलब आराम से मैं किसी भी एटीएम वाले बंदे से या फिर M4 वाले बंदे से मैं लड़ सकूंगा। ओके, और वैसा ही हुआ गाइस, मैं जैसे इधर को आया तभी गाइस यहाँ पर मैं जा रहा था ड्रॉप की तरफ, मतलब उधर को ड्रॉप गिरा था, मुझे पता था कि अब तक तो ड्रॉप लूट ही चुका होगा, लेकिन गाइस तभी अचानक से मेरा गाड़ी बैक हुआ और यहाँ पर मेरे को ये वाला बंदा दिख गया। अब देखो ये गलत सीन हो रहा है मेरा पिंग का, लेकिन जैसे तैसे मेरा पिंग तो सही हो गया, मतलब थोड़ा सा सही हो गया। अब देखना उसको कैसे निपटाते हैं। देखो मेरा पिंग इतना हग रहा था ना कि भाई ऊपर ही नहीं चढ़ रहा था गाड़ी। अब जैसे तैसे मैंने चढ़ाया गाड़ी को, अब देखना इसको कैसे निपटाते हैं। भाई लिटरली यार, इसको बोलते गाइस AKM वर्सेस पिस्तौल। जी हाँ दोस्तों, मतलब भाई पिस्तौल से निपटा दिया यार, उसके पास AKM था, लिटरली डूड AKM था उसके पास, बट कोई नहीं उसका किस्मत खराब था। उसके बाद मिंदर गया तो यहाँ पर ड्रॉप था और सामने मेरे को एक बंदा दिख गया। आप देखो तो इसको भी बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब ये वाला बंदा शायद ऑलरेडी डैमेज था पहले से ही, तो इसको निपटा दिया। अब देखो भाई क्या ही, मतलब रोना आ रहा था यार ये चीज़ को देखने के बाद, मतलब मेरा मेरे आंखों के सामने मेरा रानी पड़ा हुआ था लेकिन मैं उठा नहीं सकता था क्योंकि चैलेंज भाई चैलेंज होता है, तो मैं AWM उठा ही नहीं पा रहा था, मतलब उठा सकता था लेकिन उठा नहीं रहा था क्योंकि चैलेंज तो भैया चैलेंज है। उसके बाद मैं इधर को आया तो यहाँ पर मेरे को बंदे दिख गए थे। अब यहाँ पर देखना गलत सीन होने वाला है। अब पहले तो मैंने सोचा कि एक बंदे को मैं गाड़ी से पहले नॉक करूँगा, उसके बाद दूसरे वाले बंदे को मारूँगा। अब देखो क्या होता है। एक बंदे को तो मैंने मार तो दिया लेकिन गाइस मैं भूल गया था कि मैं जोन के अंदर था। तो ये छोटा सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।